खतरनाक चटनी जो मोमोज के साथ आती है, बहुत ही ज्यादा क्रंची। खोलते ही सरप्राइज, ये देखो भाई, चिकन डेविल मोमोज। उन्होंने तस्ला उठाया और इन्होंने कैच कर लिया। ये देखो ऐसे कुछ होते हैं, ये इनके शेप, मतलब इन्हें मोड़ा हुआ रहता है ऐसे नीचे से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। एक और वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो चुके हैं। आज भाई हमने मोमोज की बारात लगा दी है। मैं जल्दी से बता दूं मैंने कहां से क्या क्या मंगा रखा है। मैंने मंगा रखा है भाई केसी सूप एंड बार। इनके दो आउटलेट है देहरादून में, एक राजपुर रोड में, एक है बल्ली वाला में। राजपुर रोड वाला सबसे पुराना है। तो मैं जल्दी से बता दूं मैंने वहां से क्या क्या मंगा रखा है। मैंने मंगा रखा भाई चिकन डेविल मोमोज, जो कि मुझे पड़े 235 रुपीज के फुल। चिकन मोमोज जो कि मुझे पड़े 79 रुपीज के हाफ। मटन स्टीम मोमोज जो कि मुझे पड़े 99 रुपीज के हाफ। मटन कोथे मोमोज जो कि मुझे पड़े फुल 225 रुपीज के। चिकन थोप्पा जो कि मुझे पड़ा 190 रुपए का हाफ क्वांटिटी। मटन क्रंची मोमोज जो कि मुझे पड़े 250 रुपए के। चिकन स्प्रिंग रोल जो कि मुझे पड़े हाफ 169 रुपीस के। चिकन चीजी मोमोज जो कि मुझे पड़े 120 रुपए के। मैं यहां से एक-एक करके मोमोज उठाते रहूंगा, बताते रहूंगा कि ये कौन से वाले हैं। पहले मैं खुद देखूंगा कि ये कौन से वाले, फिर मैं आपको बताऊंगा। भाई जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है मोमोज खाने का। इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं भाई। ये है भाई इनकी लाल खतरनाक चटनी जो मोमोज के साथ आती है, दिख रही है भाई। पहले चिकन स्प्रिंग रोल्स खा लेते हैं, उसके बाद मोमोज खाएंगे। ऐसे कुछ है, प्याज इन्होंने मुझे नहीं दिए बट मैंने इससे पहले जो चिकन स्प्रिंग रोल्स खाए थे उसमें ना थोड़े थोड़े बड़े और थोड़े थोड़े प्याज भी थे। इसमें पूरा चिकन फील्ड है भाई। दिख रहा एक बार देख लो। इनके मोमो का साइज देखो, ये है भाई चिकन चीज मोमो। देखते ही पहचान लियो भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। भाई चटनी के साथ देखो, इसमें ये डिप के बाद सीधा भाई फिलिंग भर भर के। अब इन तीन की बारी। पहले मैं कुछ चेक करता हूँ कौन से, फिर ये भाई चिकन या फिर मटन मोमोज, अभी बताता हूँ। ये नॉर्मल चिकन मोमोज है, तुम चिकन की फिलिंग देख लो। इनके जो बाहर के लेयर्स है ना वो भी बहुत पतली होती है। फिलिंग में जहाँ तक मुझे दिख रहा है चिकन और प्याज ही है। ज़्यादा मुँह में लिया आएगा। अब ये वाले ट्राई करते हैं भाई।
अब मुझे पता चला कि ये मटन मोमोज है भाई। फीलिंग देखो, अल्टीमेट होते भाई न्यू आगे मोमोज। ये है भाई मटन कोथे मोमोज जो कि पैन फ्राइड होते हैं, है वो वही वाला मोमोज लेकिन पैन फ्राइड। तुम्हारे सामने बांटता हूँ, मोमो लवर्स के लिए तो भाई जन्नत है जगह। अभी सिर्फ इतने ही आइटम्स मंगाए मैंने, बहुत तरीके के मोमोज हैं इनके पास और भी। ये देखो नीचे से ऐसे हुए रहते हैं, चटनी में इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी हो रही है भाई, और अब मेरी तीखे से फट जाती है बहुत ज़्यादा। भाई ये तुम्हें इसके कलर से पता चल रहा होगा कितनी खतरनाक है, देख रहे हो? वही वाला खाते हैं मटन क्रंची मोमोज। जैसे इसका नाम है ना ये वैसी है। टेस्टी नो डाउट क्योंकि इनके अंदर है तो वही मटन मोमोज। लेकिन अगर ठंडा होके खाओगे ना तो आराम से खाना, ये तुम्हारा जबड़ा भी छील सकता है। बहुत ही ज़्यादा क्रंची भाई, बहुत ही ज़्यादा क्रंची। हाँ भाई बहुत टाइम लग रहा है इन्हें चबाने में। भाई मुझे जितने मोमो खाना बेहतरीन है, ये मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे भाई। लेकिन चीन क्या है, अगर उनका नाम ही मटन क्रंची मोमोज है तो क्रंची तो होंगे, बट इसे क्या है ना, तुम लोग गरम गरम खाना, मैं तो ऐसे खा रहा हूँ, तुम लोग खाना गरम गरम। एक और बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये मटन मोमोज है भाई, बट इसके बाहर से कॉर्नफ्लोर और वो क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लगा के इसमें फ्राई कर रखा है। मेरे यहाँ तक आ गया वो वर्ड बट बाहर नहीं आ रहा है।
अगर ये तुम्हें गर्मा गर्म मिल जाएंगे ना बहुत अच्छे लगेंगे। वहाँ ये एक एक मोमो मेरे लिए बहुत वैसा हो रहा है चबाने में। सूप पी के देख लेता हूँ इसका, इसके साथ ये थप्पा मांग रहा है चटनी, जिसे कि मैं दूंगा अभी इसमें डालूंगा, पर ये सब निपटा लें भाई कान में लग रही है ना। मन कर रहा है कि अंदर अंदर का खा लूँ बाहर का जान दूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई। वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड था भाई। एक कोक तो खत्म होगी, पेप्सी लानी पड़ेगी। अब मैं इसके अंदर का खा लूंगा। तुम देख रहे हो इसे खोलते ही सरप्राइज मटन ही मटन। केसी सुपन बार के मोमोज मैं बचपन से खा रहा हूँ। अभी तो उनकी बड़ी दुकान हो गई राजपुर रोड में, पहले अभी वो पंजाब ग्रिल्स के सामने है। पहले ना बहुत नीचे थे, मतलब उसे कम से कम 1 किलोमीटर नीचे। मैं 11-12 से खा रहा हूँ वहाँ, बहुत छोटी दुकान थी भाई। ये अंदर अंदर का हो पाएगा हमसे, बाहर का तो मुँह छील लेगा भयंकर। खाली कर दिया इसे, खोखले भाई है। बहुत टाइम लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। मैं पेप्सी लेके आता हूँ, बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसका फिज निकल जाता है ना। मुझे पेप्सी से अच्छा टेस्ट कोका कोला का लगता है, बट क्या करें भाई। पहले एक कोथे निपटा लेते हैं भाई, देख लो तुम जब भी ठंडे हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं। उस वाले से अच्छे ही हो गया ये भी। बेफड़िया मैंने 2:30 बजे का टाइम दिया था, 2:30 बज चुके हैं और उन लोगों ने लंच कर लिया है। ये देखो भाई चिकन डेविल मोमोस, भाई देखो क्या बेहतरीन लग रहा है ना। ये आते हैं भाई सेमी ग्रेवी में, हो गई ना बड़बड़ स्टार्ट। थोड़े महीनों की बात है दोस्तों, उसके बाद तुम्हारे भाई ने सबसे ऊपर रूम बनवाया है, जहां पे नीचे कुछ भी हो जाए ऊपर आवाज आएगी। ये देखो भाई पास से देख लो क्या ही लग रहा है ना भाई, ये एक तरफा। इसी कमरे में प्लास्टर हो रहा है भाई बाहर की जोर से।
उनका लंच था 1 बजे से, मैंने उन्हें बोला 2:30 बजे से रुक जाना, लंच कर लेना 2:30 बजे तक। लेकिन भाई मेरा ऑर्डर डिले हो गया 40 मिनट। चलो क्या कर सकते हैं, बट हाँ भाई केसी सूप बार अगर आप देहरादून से, आपने डेफिनेटली ट्राई किया होगा, और अगर आप देहरादून आ रहे हो या आने की सोच रहे हो तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको जाना बनता है भाई। अभी थप्पड़ ट्राई करेंगे, थप्पड़ ट्राई करने का एक्साइटमेंट था मैंने सोचा, तो मैं आवाज़ें रोक नहीं सकता। ये भाई इनका चिकन थप्पड़, ये देख लो, देख लो। मुझे ऐसा लगता है कि एक हेल्दी ऑप्शन भी है थप्पड़। मोमोज खा लेना भाई, क्या पता ये गरम अच्छा होता हो। ये डाउटफुल ऑप्शन है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा भाई। इसमें 3.8 रेटिंग थी, लेकिन मैंने सोचा लोग ऐसे भी कर देते हैं, मंगा लेता हूँ। मेरे को थप्पड़ अच्छा नहीं लगा। इस माइक में एक ही दिक्कत है, उन्होंने तस्ता उठाया और इन्होंने कैच कर लिया। तो भाई यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपको दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय। अबे यार मम्मी ने एक चीज़ बोली थी मुझे कि अपनी वीडियो में लोगों को कुछ दिखा दियो, 2 मिनट फिर मैं वीडियो एंड तो कर चुका हूँ, बट 2 मिनट रुक जाओ, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। मम्मी ने दिखाने के लिए बोला था माला, तो मैंने भी भाई चिकन विकन खा रखा है, मतलब नॉनवेज खा रखा है, मैं मंदिर में नहीं जा सकता, वहीं पर माला टांगी हुई है। ये देखो ऐसे कुछ होते हैं, ये इनके शेप, मतलब इन्हें मोड़ा हुआ रहता है ऐसे नीचे से, ये ऐसे क्लियर दिख रहा है देखो, ये वाला सीन। ये मकर संक्रांति के टाइम बनते हैं गोगोते, और ये है खजूर, ये महिंद्रा के लोगों जैसा हो गया, ऐसे कुछ है शायद, मकर संक्रांति के टाइम बनाए जाते हैं भाई। फिर मैंने वीडियो भी करी थी जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, और मेरे चैनल का वॉलपेपर भी है, वो वैसी मल्ला बनाई भी है इस बार भी, बट वो रखी हुई है मंदिर में। मैंने खा रखा है चिकन बाहर बना के रखे हुए थे लोगों को खिलाने के लिए, मेहमानों को खिलाने के लिए और बांटने के लिए, तो उससे निकाल लिया मैंने दो।